हेलो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं एडवर्ब के असाइनमेंट का एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेवर इन लाइफ हैव आई सीन सच अ हॉरिबल थिंग। देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है इसको समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे नेवर इन लाइफ जो है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये एडवर्ब फ्रेज है जो टाइम को रेफर करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद में जब हमने पढ़ा कि अगर हम एडवर्ब्स को सेंटेंस के शुरुआत में लिख देते हैं उनको स्ट्रेस करने के लिए, तो हमें उनके साथ इन्वर्टेड फॉर्म्स यूज करनी पड़ती है वर्ब की। इन्वर्टेड फॉर्म में हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ठीक है। तो नेवर इन लाइफ जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम को हमें मेन वर्ब के बाद में या मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में लिखना चाहिए। मतलब अगर इस सेंटेंस को हम असर्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो देखो ये सेंटेंस हमें कैसे लिखना पड़ेगा, आई हैव नेवर सीन सच अ हॉरिबल थिंग इन लाइफ, ऐसे लिखना पड़ेगा। खैर अभी हमने इसको एक साथ में लिख दिया तो ये इन्वर्टेड फॉर्म लिखी हुई है। खैर उसके बाद की चीजें देखें, अगर हम हैव सीन देख रहे हैं तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, सीन मेन वर्ब है, और ये हमारा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, सच अ हॉरिबल थिंग ऑब्जेक्ट हो गया। एक दो बेसिक बातें जो हमने क्लास में वैसे पढ़ रखी होंगी फिर भी मैं रिविजन के लिए यहाँ पे बताता हूँ। नेवर जो एडवर्ब होता है ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है और इसका मतलब होता है नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम, नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम, ठीक है। एक ये हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट इस बात को समझने के लिए, ये सब क्लास में डिस्कस हो गए होंगे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट और छोटा सा हमें पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो टाइम होता है वो होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट, मतलब फ्रॉम पास्ट टिल द पॉइंट ऑफ रिपोर्टिंग, पास्ट से लेके उस पॉइंट तक जिस समय तक बात की जा रही है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई, तो अगर हम ऐसे लिख रहे हैं आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई, तो हैव टोल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और इसका टाइम हो गया पास्ट प्लस प्रेजेंट। तो इस टेंस के थ्रू जिस टाइम को हम रेफर कर रहे हैं वो टाइम है हमारा पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक सारा, मतलब पास्ट से लेकर जिस समय तक हम बात कर रहे हैं उस समय तक एवरीथिंग। अच्छा नेवर का मतलब हो गया नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम, तो इसका मतलब ये जो नेवर है ना इसका इफेक्ट पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लिए है। इसका मतलब इस पर्सन ने पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कभी झूठ नहीं बोला, नेवर का मतलब होता है नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो इसका मतलब ये एक्शन जो हो गया ये नेगेटिव हो गया पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक हमेशा के लिए। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा हो जो उस समय जब ये बात कह रहा है झूठ बोल चुका हो लेकिन वो ये कहना चाहता हो कि उससे पहले उसने कभी झूठ नहीं बोला, तो उसको देखो कैसे लिखना पड़ेगा, आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई बिफोर, यहां पर क्या होगा जो हमने हैव टोल्ड लिखा है ये टेंस वही हो गया पास्ट प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। तो अगर हम पास्ट प्लस प्रेजेंट को रेफर कर रहे हो नेवर लिख देंगे तो नेवर जो टाइम होता है इसका मतलब होगा नॉट एट एनी पॉइंट इन टाइम, तो इसने पूरा टाइम निगेट कर दिया, मतलब ये एक्शन पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कभी भी नहीं हुआ, टेलिंग लाइज जो एक्शन है वो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कभी नहीं हुआ। लेकिन यहां पर हम देखें इस टाइम के साथ में जो नेवर होता है एक स्पेसिफिक टाइम हमने लिख रखा है बिफोर, अब नेवर होता है जनरल, नेवर का मतलब पास्ट और प्रेजेंट सारे जनरल नेगेटिव हो गए, बिफोर का मतलब होता है स्पेसिफिक। तो ये जो बिफोर हमने नेवर के साथ लिख दिया ना तो इसका मतलब देखो क्या निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा नेवर का जो नेगेटिव मीनिंग है वो केवल पास्ट के लिए है प्रेजेंट के लिए नहीं है। तो इसका मतलब इस पर्सन ने पास्ट में कभी झूठ नहीं बोला लेकिन अब ये झूठ बोल चुका है। तो जब भी कोई ये कहेगा आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई बिफोर तो इसका मतलब ये हो जाएगा बट नाउ आई हैव टोल्ड वन। तो इसका मतलब हमें यह मानना पड़ेगा अगर बिफोर के साथ कोई पर्सन ये बात कह रहा है आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई बिफोर तो इसका मतलब ये कहना चाहता है बट नाउ आई हैव टोल्ड वन, लेकिन अब मैंने झूठ बोल दिया। अच्छा अगर कोई ये कह रहा है कि आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई तो इसका मतलब आई हैवन टोल्ड वन टिल नाउ का मतलब उस पॉइंट तक जिस समय यह बात की जा रही है। तो खैर ये दोनों ही सही है, मान लो किसी पर्सन ने कभी भी झूठ नहीं बोला पास से लेकर प्रेजेंट तक अपनी पूरी लाइफ में तब उसको ये बोलना पड़ेगा आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास में तो कभी झूठ नहीं बोला था लेकिन किसी मजबूरी से आज बोल गया तो फिर उसको ये बोलना पड़ेगा आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई बिफोर।
ठीक है, तो जब हम बिफोर लिख देंगे तो वो नेगेटिव मीनिंग जो है वो केवल पास्ट के लिए वैलिड होगा, प्रेजेंट पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम बिफोर नहीं लिखेंगे तो जो नेवर होता है वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों का नेगेटिव कर देगा। जब ये बात समझ में आ जाए, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो पर्सन ये कह रहा है, नेवर इन लाइफ हैव आई सीन सच अ हॉरिबल थिंग, तो अगर इस पर्सन ने उस चीज को जिसके बारे में कह रहा है कि नहीं देखा, अगर देखा ही नहीं है तो फिर ये पता कैसे चल गया कि ये चीज हॉरिबल है और कौन से टाइप की है। सच अ हॉरिबल थिंग का मतलब एक पर्टिकुलर टाइप है हॉरिबल थिंग का, उसकी बात की जा रही है। तो इसका मतलब इसने अब देख लिया लेकिन पास्ट में पहले कभी इस चीज को नहीं देखा होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। क्योंकि अगर इसने अब भी नहीं देखा तो फिर ये बात कहनी मुश्किल है, क्योंकि जब हमने उसको देखा ही नहीं तो हम नहीं बता सकते वो कौन से टाइप की है, हॉरिबल है कि नहीं है। तो अगर हमें ये पता कि इस टाइप की और हॉरिबल है तो इसका मतलब अब हम इसको देख चुके हैं, पास्ट में कभी नहीं देखा होगा। तो अगर नेगेटिव मीनिंग केवल पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए नहीं, तो यहां पे बिफोर लिख, तो ये सेंटेंस हो जाएगा जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, नेवर इन लाइफ हैव आई सीन सच अ हॉरिबल थिंग बिफोर। अब जब हम ये लिख देंगे नेवर इन लाइफ हैव आई सीन सच अ हॉरिबल थिंग बिफोर, तो इसका देखो अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगा बट नाउ आई हैव सीन वन। तो ऐसी हॉरिबल थिंग हमने पहले तो कभी नहीं देखी लेकिन अब देख ली, ठीक है। तो प्रेजेंट हो गया पॉजिटिव, पास्ट हो गया नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तैयार हो गया। बाकी द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन्ड। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।